यूक्रेन ने लगाए हैं रूस पर अनाज चोरी के आरोप। रूस यूक्रेन का अनाज दूसरे देशों को बेच रहा है, ये कहा है यूक्रेन ने। चोरी का अनाज खरीदने वालों में तुर्की भी शामिल है। यूक्रेन के राजदूत ने लगाए रूस पर ये गंभीर आरोप। तुर्की क्या चोरी का अनाज खरीदकर पेट भर रहा है? हिंदुस्तान का गेहूं ठुकराने वाले तुर्की पर यूक्रेन ने कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा में तैनात यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि रूस ने पहले यूक्रेन का अनाज चोरी किया और अब वही अनाज कई देशों को बेच रहा है। चोरी का अनाज खरीदने वाले मुल्कों की लिस्ट में तुर्की का भी नाम है। यूक्रेन का आरोप है कि उसके यहाँ से अनाज चोरी कर बाहर ले जाने के लिए तुर्की की जल सीमा का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने इस मामले में तुर्की प्रशासन से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया है और अनाज के अवैध कारोबार में लगे लोगों का पता लगाने की मांग की है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। दुनिया के तमाम देशों को गेहूं की एक चौथाई गेहूं यही दोनों सप्लाई करते हैं। इनके बीच छिड़ी जंग के चलते दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। तुर्की भी अनाज संकट का सामना कर रहा है। भारत ने गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी मानवीय आधार पर तुर्की को गेहूं देने का फैसला किया, लेकिन तुर्की ने इसमें वायरस होने की बात कहकर खेप लौटा दी और अब गेहूं चोरी का इल्जाम झेल रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में आग लग गई। मॉस्को के मॉल में यह भीषण आग लगी। पहले भी रूस के कई शहरों में आग लग चुकी है और आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। ये वो आग है जो रूस के दिल यानी राजधानी मॉस्को में लगी है। ये मॉस्को का ग्रैंड सैटन प्लाजा मॉल है। एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते पूरी इमारत शोलों में घिर गई। रूस के अलग अलग शहरों में लगी आग की तरह मॉस्को की इस इमारत में लगी आग की वजह भी सामने नहीं आई। रूसी अधिकारियों का बस इतना कहना था कि आग से किसी की मौत नहीं हुई। इससे पहले रूस के कई शहरों में आग अपना कहर दिखा चुकी है। रूस की अहम इमारतों को खाक कर चुकी है। कुर्स्क में एक बिल्डिंग के अलावा दूसरे शहरों में केमिकल प्लांट, स्टोरेज डिपो और डिफेंस रिसर्च साइट भी आग की चपेट में आ चुके हैं। इनके भी आग की वजह का पता नहीं चला था। ऐसे में सवाल ये है कि आग के पीछे कहीं यूक्रेन या उनके समर्थकों का हाथ तो नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन जानता है कि फिलहाल जो स्थिति है उसमें सीधी जंग में उसका रूस से जीतना मुश्किल है, लिहाजा वो रूस के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आग वाली चाल चल सकता है। और वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से गुहार, अगर हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन का बचना मुश्किल होगा। रूसी फौज यूक्रेन के 20% हिस्से पर काबिज हो चुकी है। रूसी हमले के 100 दिन देख चुके यूक्रेन में बारूद की बरसात शायद ही किसी पल थमती। पुतिन आर्मी के प्रहार से यूक्रेन के बड़े हिस्से में तबाही का सिलसिला जारी है और जारी है यूक्रेन के पश्चिम के मुल्कों से हथियार की डिमांड। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डिजिटली लग्जमबर्ग की संसद को संबोधित किया तो पश्चिम के मुल्कों से एक बार फिर हथियार की गुहार लगाई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की फौज यूक्रेन के 20% हिस्से पर काबिज हो चुकी है, अगर हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन का बचना मुश्किल होगा। यूक्रेन के गुहार असर भी दिखा रही है। पश्चिम के मुल्क यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं हथियारों को लेकर इंटरपोल ने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है। इंटरपोल का कहना है कि पश्चिम से यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियारों का अपराधियों के हाथ में पहुंचना तय है। इसके बाद आम स्मगलर्स का ग्लोबल नेटवर्क इन्हें पूरी दुनिया में फैला देगा और फिर से अवैध हथियार की एक ऐसी बड़ी समस्या खड़ी होगी जिससे निपटना किसी एक के लिए संभव नहीं होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।